वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आपने कुरकुरी भिंडी सुनी हुई है कि जो डीप फ्राई करके बनाया जाता है और उसको लंबा लंबा और पतला पतला काटा जाता है, लेकिन मैं इसे सिंपल वे में काट रही हूँ ताकि आपको आसानी हो और कम तेल में आपको भिंडी फ्राई का ही टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा सा। आप समझ, पैन में आप लोहे की कढ़ाई में किसी ने भी बना सकते हैं। इसको मैं गर्म होने दूंगी। जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक मैं भिंडी को किस तरीके से बनाना है आपको दिखाती हूँ। आप मुझसे बहुत अच्छा बनाते होंगे, लेकिन एक सरल तरीका मैं बता रही हूँ, अगर पसंद आएगा तो आप कमेंट करिएगा। इसमें मैं ये थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल दूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अभी हम नमक कम डालेंगे, बाद में डालेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ देगा। फिर उसके बाद ये बेसन पहले ही हम सब डाल देंगे। अब इसको मिला, इसको मैं अच्छे से अच्छे तरीके से मिला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ देखिए हमारा तेल गर्म हो गया, मैंने सिर्फ एक चम्मच ही तेल डाला है, बड़े वाले चम्मच से। अब इसमें मैं हल्का सा पंच फ़ोरन डालूँगी। देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं डालिए, लेकिन हम लोग खाते हैं करके मैं इसे यूज करूँगी। ये मैंने देखिए पंच फ़ोरन लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से तड़कने दूँगी। मेरे पास दो तरह की मिर्च है, ये सिंपल जो देसी लाल मिर्च होती है, ये कश्मीरी, आपको जो अच्छा लगे वो आप डालिए। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं ये सूखी लाल मिर्च डालूँगी। अब इस प्याज को डाल दूँगी। इसको एक या दो बार चला लीजिए क्योंकि इसको इसके साथ हमको भिंडी भी फ्राई करना है। अब इसमें मैंने जो ये भिंडी डाल रखा था उसको डाल देंगे। ये मैंने भिंडी डाल दिया और इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया है। आप ख्याल किए होंगे कि मैं जब मसाला डाल रही थी तो उसमें थोड़ा सा नमक डाली थी। अब इसमें नमक एकदम आखिरी में डालना है और ये दाल चावल पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको ढकना नहीं है और मैं 5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। देखिए ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसे और सेकना तो सेक सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दूँगी, डाला था। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक, आप अगर डीप फ्राई करके बनाते तो बहुत ऑयली हो जाता है, हेल्थ के ठीक नहीं है। अब मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ।